दैव विधाता श्री श्री कालिया शांति भगवान बलराम देवी भगवती सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। नीलाद्रि मंडप को शत शत कोटि प्रणाम पूर्वक जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्ररु ये महान लीलार जो होचंती पवित्र महाप्रभुंकर स्वरूप को दर्शन करुथिबा जय जगन्नाथ टीवी अगणित दर्शक बंधु आपण मान को श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि। नीलाचल नाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा कटाक्ष को सदा सर्वदा भक्त माने अपेक्षा करी केते बेले कहा ऊपर भगवान कर टिके कृपा हो जीव कारण भगवान कर कृपा न हले तांकर दर्शन के पाई नांती। भगवान कर कृपा न हले तांको धाम रे के पहुंच पर नांती। भगवान को कृपा न हले तांको सेवा के ही करी पारी नांती। भगवान को कृपा रे ये सब संभव हुए सेथिपाई महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र को आज आगमन करथिबा दर्शक माने सुंदर भाव रे भगवान कर सिंह द्वार देई प्रवेश करुछंती जहां आपण माने टीवी पर्दा रे देखुछंती ये दृश्य आसुछि। श्रीक्षेत्र रे गहली चहली संपूर्ण भाव रे लागिछि। बड़दांड रे लोक भिड़ एत व्यतीत चतुर्पार्श्व चल चंचल कई कई भक्त बड़दांड रे आसुथिबा बेले आउ कई कई भक्त अंतर प्रदेश को प्रवेश कर सारे श्रीमंदिर को आउ कि अपेक्षारत जहा आज पुणी होची सोमवार तेनु ये सोमवार टी आमर प्रत्येक जागयज्ञर जदि आमे अंतर प्रदेश को प्रवेश करिबा ताले सोमयज्ञ होचंती आम संस्कृतिर विधान मध्यरे यज्ञ मध्यरे प्राचीन व्यवस्था तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भक्त माने जगन्नाथ को हाथ टेकी जेतु जय जगन्नाथ टीवीर सिंहद्वार को कैमेरा टी पड़ी भक्त माने बुलिकी टिके देखुचंती आनंद रे ये दृश्य टी मध्य आसुच या भितरे महाप्रभुंकर श्रीमंदिर जहा शीर्ष स्थान ता मध्य दृश्य होची।
तले पतित पावन नारायण गुमुट प्रदेश रे ऊर्ध प्रदेश रे पतित पावन नेत जेउ नेत भक्त मानकर भावावेग सहित संपूर्ण भाव रे जड़ित से नेत जगन्नाथ महाप्रभु को जो भक्त माने दर्शन करने को आसती बड़ पवित्रतार सहित दर्शन करने आसी था सिंह द्वार रे गोड़ हाथ तो धोई स्वतंत्र भाव में महाप्रभु को दर्शन करने प्रवेश करी अंतर प्रदेश रे अनेक देवादेवी अच्छा कारण ये जो श्रीमंदिर दृश्य होची ये श्रीमंदिर भितर अनेक देवादेवी मंदिर मध्य अच्छी ता भितर गोटे पातालेश्वर मंदिर अच्छी तब से जो पातालेश्वर मंदिर टी भूमि ठारू बहुत नीचरे श्रीमंदिर कूर्म बेढ़ार उत्तर दिगरे ये मंदिर टी अवस्थित सर्व प्राचीन मंदिर मध्य ये मध्य गोटे मंदिर जो स्थान रे भगवान शंकरंकर पूजा अर्चना होगी भगवान शंकर तांकु कुहा जाइछि रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरं नाना रत्न विमंडिता मृगमदां मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते ऋतुकल्पितम गृह्यताम भगवान शंकर ये होचंती मानस उपचार पूजा र प्रथम श्लोक हाँ महाप्रभु र अतीव प्रियतम मानस उपचार श्लोक रु गोटे श्लोक को आम आवृत्ति कले जिते प्रकार पूजा अच्छी से मानस उपचार पूजा हूँ सब श्रेष्ठ रे आपण मान पूर्व काल रु जानते अति बड़ी जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि चैतन्य महाप्रभु देते 1500 ख्रीष्टाब्दे गरुड़ स्तंभ पाखरे श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु को जगन्नाथ दास भक्त कवि सी होती महान पुणी पंचसखा जुगर संत महंत ध्यान करी मानस उपचार पूजा रे निमग्न था से समय रे चैतन्य उपस्थित हीगले एवं से चैतन्य उपस्थित होती चैतन्य मध्य मानस उपचार निमग्न किंतु मानस उपचार मध्य चैतन्य कौन करा मन मध्य गोटे मालटीए महाप्रभु को दौंती से मालटा गोटा मालटीए किंतु से मालटा महाप्रभु नौना
অতি বড় জগন্নাথ দস্যু গোস্বামী কহিল রে মালটা ভগবান দৌঁচ যে মালটা গ্রহণ করু না কারণ সি আত্মজ্ঞানী কি আত্মজ্ঞানী চিহ্নব যেমিতি মানে চোরকু চোর চিহ্নে বণিয়াকু বণিয়া চিহ্নব ধীবরকু ধীবর চিহ্নব ব্রাহ্মণকু ব্রাহ্মণ চিহ্নব বৈশ্যকু বৈশ্য চিহ্নব ই হচ্ছে গোটি আমার সংসারর ব্যবস্থা আপন মানে জানন্তি সেভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু মানস উপচার নিমগ্ন অতি বণি মধ্যে মানস উপচার মহাপ্রভু কৌন্তি হাত যোড়িকি ধ্যান করছেন কিন্তু অতি বড়ি গোস্বামী জগন্নাথ দাস গোস্বামী যাহর না সে জাঁলে যে চৈতন্যকর মালটা মহাপ্রভু নৌ না তাপরে সেইটি সে কহিলেন কহিলেন আপন প্রত্যেক স্থানরে মালটা সিনা হচ্ছেন আপন গোটা মহাপ্রভু দৌলে এটি গোটা মহাপ্রভু মাল নিয়ন্তি মালটা ছিণ্ডাই দিও মহাপ্রভু গ্রহণ করে যাবে চৈতন্য মহাপ্রভু আশ্চর্য হয়ে গেলে কহিলেন মু মহাপ্রভু মালটা দৌছি মানস উপচারে জগন্নাথ দাস গোস্বামী জানিগলে সেইটি তাঙ্কু অতি বড়ি বলিকি সে ডাকিলে কহিলেন অত বড় অত বড় আপন সবুঠারু বহুচি বড় সন্থ বড় সাধক মোর কার্য তাকু আপন পূর্ণ করে দেলে মু দেই পারুনি প্রভুঙ্কু কাহিঁকি না শত কোটি পর্বতরু অটন্তি যে গরু নাম বহি অছন্তি চল মেরু যে শতকোটি পর্বতরু আহুরি গরু নাম যাঙ্কর অচল মহামেরু সেই জগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্কু মালটি সেদিন চৈতন্য মহাপ্রভু দেইপারুনথিলে অতি বড়ি গোস্বামী জানিগলে মালটি সুন্দর ভাবে ছিণ্ডাই দেই দেলা পরে প্রভু গ্রহণ করিগেলে ইহাই হচ্ছি শ্রী পুরুষোত্তম চেতনার মহানতা কহিলে অত্যুক্তি হব না সেথিপাই এবে বি মধ্যে দুই সন্থঙ্কর না উচ্চারণ কলে আমার পুণ্য হব কারণ মোতে সন্থ অধিক করি লেখা মোঠারু মোর ভক্ত মানে সন্থ মানে অধিকা বলি অতি যে কি গোস্বামী তুলসীদাস তাঙ্কর গ্রন্থ শ্রীরামচরিত মানসরে মধ্যে কইছন্তি তেণু ইয়ে ভর্ষানাম ভারত শ্রেষ্ঠ দেশানাম উৎকল শ্রুত উৎকলস্য সম দেশ দেশ নাস্তি মহি তলে বর্ষমানক মধ্যে ভারতবর্ষ যেভাবে ভাবে শ্রেষ্ঠ দেশানাম উৎকল শ্রুত উৎকলস্য সম দেশ দেশ নাস্তি মহি তলে উৎকল প্রদেশ ভাই আউ প্রদেশ না মহি তলে সেপাই ইয়ে মহান ক্ষেত্রর আপন মানে প্রাতকালে প্রভুঙ্কর নীলচক্র পতিত পাবন বানাকু দর্শন করিবা সহিত পতিত পাবন নারায়ণকু দর্শন করুছন্তি যাহাঙ্কু দর্শন কলে পাপ ক্ষয় হুয়ে কারণ আমি সব পাপ ক্লিষ্ট
अधम। सदा सर्वदा आमर ज्ञानाति ज्ञान अज्ञान सब मध्य पूर्वार्जित कर्म पूर्व जन्मर कर्म ये सब गुड़ाक आसुच। तेणु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित ही जेते बेले रे प्रत्येक पाप ताप को महाप्रभु चरणार बिंद रे भक्त समर्पण कर दिए सेते बेले महाप्रभु भारी खुशी जानती अभय प्रदान करती। तेणु यह ही होचंती भगवान कर कृपा। से आम आज पवित्र सोमवार पुरुषोत्तम मास षष्ठी संयुक्त सप्तमी तिथि सबुद कृष्ण पक्ष स्वतंत्र भाव प्रशस्त दिवस कारण भगवान पुरुषोत्तम नारायण कर दर्शन पाई प्रशस्त दिवस सब ये मासे काल व्यापी पुरुषोत्तम मास जो पुरुषोत्तम नाटी महाप्रभुंकर विविध स्थान रे रही स्कंद पुराण ठारु आरंभ करी पूर्व काल मादला पांजी पर्यंत पुरुषोत्तम नाटी महाप्रभुंकर परिव्याप्त जाऊ से क्षेत्ररु आपण माने सीधा प्रसारण माध्यम रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये लीला को संदर्शन करछन्ती। आमे जो कथाटी आलोचना करूथिले श्रीमंदिर अंतर प्रदेश मध्य रे कुर्म बेढ़ा भितरे गोटे मंदिर अछन्ती तांको नाम होची पातालेश्वर। उत्तर पार्श्व द्वार निकट रे पश्चिम दिग को पातालेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित जहाँ श्रीमंदिर 1992 मसीहा स्वतलिपि अनुसार 41 नंबर प्लॉट उपरे प्रतिष्ठित श्रीमंदिर अंतर प्रदेश मध्यरे तांकु बलि पातालेश्वर मध्य कुआ जाय थाय। तेणु मंदिर टी बेढ़ा पतन ठारु प्राय अधे अंश रे पोती हिला परी रही। तृतीय अनंग भीमदेव यह मंदिर को निर्माण करथिले बोली केतेक गवेषक माने पूर्वरु मत प्रकाश करती। यह मंदिर टी केवल गोटे विमान संबलित मोट 22 गोटी पावच अतिक्रम करी प्राय 20 फुट तलुक जावापर पातालेश्वर महादेव निकट में आम पहुँच पार। तेणु श्रीमंदिर अंतर प्रदेश में जो भूमि पतन ठारु प्राय 20 फुट रु ऊर्ध हम कारण अतीब संकुचित रास्ता आम से रास्ता दे भीतर को महाप्रभु पाखक जा दर्शन करजा करु। तेणु निश्चित भाव रे प्रभुंकर गोटे अपूर्व स्थान किंतु संकुचित रास्ता प्राय भक्त मान भीतर को जानतेनी जेहेतु अतीब संकुचित मंदिर टीए से बाहर प्रदेश रु प्राय मुंडिया मारि थांती। तेणु महाप्रभुंकर गर्भगृह विमान गृह मंदिर शिवलिंग होती प्रपूजित अंतर प्रदेश मध्य 6-7 फुट मध्य गर्भगृह टी महाप्रभुंकर एवं पोखरियार मध्यस्थल 2.5 फुट व्यास विशिष्ट गोटे स्वतंत्र लिंग शक्ति एवं 5 तंबा निर्मित संस्थापन पूर्वक पूजित होती। गंभीरार पश्चिम कांथ संलग्न गोटे अपूर्व प्रकार मूर्ति बलिराजा कालियदलन मूर्ति ओ गोटे भगन मूर्ति दृश्य हुए गणेश मूर्ति
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ା ଅଗଣାରୁ ଗମ୍ଭୀରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ସୋପାନରେ ବାଇଶଟି ପାହାଚ ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ନଅ ଆଠ ପାହାଚ ଏକ 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 ସୋପାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରକୁ ଭାବଭକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଖିଳଣ ଉପରେ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି, ତତ୍ପରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ପରେ ରାହୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖିଳଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃଷଭ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖିଳଣ ବୃଷଭରେ ବୃଷଭ ଠାରୁ ନଅଟି ପାହାଚ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଏଥିରେ ଏକ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। କବାଟ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପାହାଚ ଉପରେ ଭିତର ବେଢ଼ା ଅଗଣା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିକୁ ପାତାଳଗାମୀ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପାତାଳଗାମୀ ବଳି ଏଠାରେ ପାତାଳେଶ୍ୱର ନାମ ବହନ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ଅନେକ କଥା ବେଳେବେଳେରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିଛି ଲୋକ କଥା ଅଛି, କିଛି ପାରମ୍ପରିକ କଥା ଅଛି, କିଛି ଶୁଣା କଥା ରହିଛି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆକାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟତା ବି ଥାଏ। କାରଣ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପାତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଳିଆ ସେବକ ଦୈନିକ ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ମହାଦେବଙ୍କର ଦୈନିକ ନୀତି ସକାଶେ ବଲ୍ଲଭ ଗୋଟେ ଓଳି, କୋରା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଠରୁ ଯୋଗାଯାଏ। ଜାଗର ଯାହା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବିମଳାଙ୍କ ସେବକ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବଳିପାତାଳ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ତଳକୁ ପ୍ରାୟ ନଅଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର କେତେକ ଶିଳାଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସାତଟି ଶିଳାଲେଖର ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଠ ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳାଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ, ସ୍ୱସ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବସ୍ୟ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧମାନ ବିଜେ ସମ୍ବତ ସ୍ରାଇ 29 ଶାକାଧାନମ୍ 1157 କୁମ୍ଭ ଶୁକ୍ଳ 7 ରବିବାର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଇ କୀର୍ତ୍ତିବାସ ନାୟକ ଦତ୍ତଭୂମି ପୁରାଙ୍ଗ ବାଟିଏ କେ ମୁରଡ଼ ବାଟିଏ କେ ନୈବେଦ୍ୟ କୁଞ୍ଚି 2 ଘୃତ ଦଧିପକ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାମ୍ବୋଳ ପାନ ଦ୍ରବ୍ୟୋତ୍ତମ ପାଠା ମହାଦେବ ଗୋଚର ଦତ୍ତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖା ପ୍ରଣାଳୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏମିତି ଥିଲା, ତାରି ଭିତରୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର, ସେତେବେଳେ ତ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, କୁଡ଼ି ତାଳପତ୍ର ଖେଦା, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଖେଦା, ରୂପା ପାତ୍ର ଖେଦା, କି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାରେ ଲେଖା, ଏହିସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖା ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମସ୍ତ
ଏଥିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଘିଅ ଦହି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର 29 ଅଙ୍କରେ 1157 ଶତାବ୍ଦରେ କୁମ୍ଭ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କୃତିବାସ ନାୟକ ମହାଦେବ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଏସବୁ ବିବିଧ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ସେଥିପାଇଁ ବିମଳା ମନ୍ଦିରର ସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ନମୋ ରୁଦ୍ରାୟ କାଳାୟ ପାତାଳାନ୍ତ ସ୍ଥିତାୟ ଚ ସର୍ବରୋଗ ବିମର୍ଦ୍ଦାୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମୋ ନମଃ। ନମୋ ରୁଦ୍ରାୟ କାଳାୟ ପାତାଳାନ୍ତ ସ୍ଥିତାୟ ଚ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରପୂଜିତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ ଦର୍ଶନ କଲେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବରୋଗ ବିମର୍ଦ୍ଦାୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂରୀକରଣ କରି ସେଇ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାତାଳେଶ୍ୱର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ବିଶେଷ, ବାହାର ପଟେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଦେବଯାନ ଦର୍ଶନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଦେବଯାନ ଦର୍ଶନ ବିଧିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଯାହା ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦେବତାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପର ନାଁ ହେଉଛି ଦେବସଭା ମଣ୍ଡପ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ରହିଲା ଦେବସଭା ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ଦେବତାମାନେ ବସିକି ତାଙ୍କର ସଭା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ପଡ଼େ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଦାରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏବଂ ଦାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମାର୍ଗଟିକି ଦେବତାମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତରା ପଥ ମାର୍ଗେ ନମ ପଶ୍ୟତ କୁଟମ ସଭକ୍ତିତ ଐଶାନ୍ୟଧିପତି ଶମ୍ଭୁ ଶୀତଳାମ ଲୋକ ଶଙ୍କରୀ। ଉତ୍ତର ପଟରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବେ, କୁହାଯାଇଛି ଐଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଲା ପାତାଳେଶ୍ୱର କୁର୍ମ ବେଢ଼ାରେ, ଐଶାନେଶ୍ୱର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଏ ଦୁଇଟିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ପରସ୍ପର
पूर्वाभिमुख हेले मध्य दुईटी स्वतंत्र स्थान को नहीं से मंदिर निर्माण करा जाएची स्वतंत्र स्थली रे तेणु आश्चर्य मंदिर कहले अत्युक्ति हो ना जाऊ महाप्रभु श्री कालिया शांति जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपारु आमे माने जगन्नाथंकर लीला संबंधरे टिके जाणी परिवार सौभाग्य पाइछे विशेष करी आम कथा तो छाड़ंतु विशेष भाव रे मोर कथा जदि मु कहिबी तबे मो भलिया गोटे अधम मूर्ख लोक महाप्रभुंकर कथा आम कौन आलोचना करिबा जाहंकु जेऊं पाद खोजी खोजी ब्रह्मा उमापति से पादरु रेणु मात्र पाई तो नहांती जेऊं पाद को खोजी खोजी ब्रह्मा शिव आउ अन्यान्य देवता माने से पाद को पाई पारी नहांती आमे श्रीमंदिर श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर केवल समर्पित हो जेतेबेले रे तांको शरण नबा सेतेबेले से किछि किछि तांकर क्षेत्रर लीला को तांकर विभूति को से आमको देखेबे एवं अंतकाल रे वैकुंठ गति देबे कारण वैकुंठ गति अंतकाल रे दबा अधिकारी होचंति श्री जगन्नाथ नारायण सेथिपाई श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर चरणारविंद रे निजकु समर्पित करी भक्त माने जेतेबेले प्रत्येक मंदिर श्रीमंदिर भितर अनेक मंदिर अछि आमे पातालेश्वर मंदिर उपर आज आलोचना करथुले एमते अनेक मंदिर भी अछि प्रत्येक मंदिर भितर मध्ये किछ किछ अंतर्निहित महात्म्य रहिछि कारण जेहेतु वैकुंठ वैकुंठ रे प्रत्येक जीव माने प्रत्येक देवता माने इठि सजीव जेमती प्रत्येक जो माने जाउचन दर्शन करबा को सी चलचंचल सेठी देवता मध्ये चलचंचल देवता मानंकर वास्तव रूप को आमे जानी परिबा नाही भगवान सेठी को प्रकार लीला करंती तांगु के जानी परंती साक्षात वैकुंठ ना तेणु वैकुंठर लीला को पुणी भगवान करुछन्ति जगन्नाथ महाप्रभु करुछन्ति से लीला को आम कौन बुझा से सोमवार जो माने कौनसी पूजा पाठ करी पारंती नाही केवल भगवान शंकर को टिके दर्शन कले मध्य अनेक पुण्य हम कारण आम संस्कृति रे दर्शन को सर्वाग्र रखा जाए जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेमती दर्शन करिबा पाई भक्त विभोर हो जाए आपण माने देखिबे ग्रामांचल ठारु सहरांचल पर्यंत प्रत्येक स्थान रे महाप्रभुंकर सब विभिन्न प्रकार मंदिर होइछि कोटि दुर्गा मंदिर कोटि राम मंदिर कोटि गोपाल मंदिर कोटि गोविंद मंदिर कोटि नवग्रह ये विविध प्रकार आम धर्म संस्कृति मध्य आम व्यवस्था हूँ सरल व्यवस्था भगवान को पाइबा को हेले माँ माने बापा माने अतीब सरल आम हो
कारण भगवान को पाइबा को हेले भगवान को कृपा पाइबा को हेले जत्ते जटिल आमे हवा भगवान सेते जटिल हो जिवे आमे जत्ते की सरल हो जिवा बहु अन्याय आसरे भगवान कर कृपा पाइबा एतरे संदेह नाही। सबदा सर्वदा गोटे अंतर्निहित भाव मध्य भगवान को दर्शन कले निश्चित भाव रे प्रभुंकर कृपा हम थे महाप्रभुंकर कृपा ही गले आउ कई अटकी पारे से निश्चल भाव रे कौन सी पूजा न हो पारे मानस उपचार रे पूजा कर दे कारण जिते बारे तीर्थ यात्रा रे थिबा मन करो श्री तो आज दिवन देवता आज पूजा करपरियानी तेणु नित्यकर्म कर मानस उपचार पूजा टी कर गायत्री टी पानी दे यू कार्य अच्छे कारण ये हूँ बाहर को गले प्रातः काल रे सब जगार सदा बेल संभव नुह संध्या तर्पण गायत्री इत्यादि जो नित्यकर्म व्यवस्था आमर सब प्राधान्यता दि जा नित्यकर्म को कारण जे नित्य कर्म टी ठीक करती ना हूँ नित्य आम हेले अनित्य अनित्य संसार अनित्य शरीर पाप पंके गढ़ा सदा नहीं टी निस्तार तुम्हे अट गतिदाता सारा संसार रे तेणु तुम्भंकु भजुचि चेता चैतन्य रे भवान बे पड़ी भासी जाऊची अकूले कृपा नाब देई रख बाहु छाया तोले। हे महाप्रभु आपणकर कृपा कटाक्ष को पाथेय करी मनुष्य जीवन जापन करे कारण आपणकर कृपा बिना कहीं मध्य संसार रे रही नहंती तेणु आपण होचंति कृपार समुद्र कहा जाए कृपा पारा बारु सजल जल दश्रेणी रुचिरु रमा बाणी राम स्फुर दमल पद्मे जनमुख सुरेन्द्र ईराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम जहांकर कृपा आम देखुचे इठी गोटे सुंदर दृश्य भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र देव स्नान मंडप जो मंडपरे भगवान गोटे दिन जाए उपवेशन करी यात्रा संपादन करती से मंडप स्वतंत्र भावरे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आमे दर्शन करुचे पवित्र देवस्नान मंडप मंडप को दर्शन कले गोटे भाव स्वतंत्र भाव जाग्रत हुए जो भाव कि महाप्रभुंकर अप्राकृत भाव से साधनार गोटे मूल स्थान कहले अत्युक्ति हम ना ये पाखरे भक्त मानकर मध्य
अंतर प्रदेश को प्रवेश चली ठाकुर दर्शन एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया सांते आम तुम दर्शन करवा कृपा कटाक्ष महाप्रभु ग्रहण करवा सहित मोर परम सहयोगी होंगे जन एकाधार रे महान हूँ विद्वान व्यक्ति आपण माने जानती श्रीयुक्त शेषदेव साहू महोदय को मु अनुरोध करी महाप्रभुंकर ये प्रातकाल भगवान सीधा प्रसारण लीला को जय जगन्नाथ टीवी से आपण मान को आगरे आग को नेबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद पंडित पद्मनाभ।